हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जो स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे एसएससी की नोटिफिकेशन की, उनका इंतजार खत्म हो चुका है और उनकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अब एसएससी सीजीएल के पेपर को कैसे करेक्ट करना है और उसमें क्या क्या एग्जाम में आएगा और जो वैकेंसीज आती है, जो पोस्टें हैं, उनमें कितने बेनिफिट हमें हैं, क्या क्या उनकी फैसिलिटीज है, कितने फील्ड में वैकेंसीज होगी, ये सब हमने यहाँ पे अभी जानना है। और यही सब बताने के लिए हमारे पास हमसे जुड़े हुए हैं मिस्टर अभय सर और मिस्टर वीडी सर। वीडी सर को आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं, तो मिस्टर अभय सर आपको बताएंगे कि कैसे आपने सिलेक्शन लेना है। तो वेलकम सर। थैंक यू सर। तो पहले मैं अभय सर से कहूंगा कि अभय सर कुछ अपने बारे में बताइए यहाँ पे। बेसिकली मैं IBS पंचकुला का मैंने एडमिशन लिया था इसमें, और SSC CGL 2016 मैंने क्रैक किया है, जिसमें मुझे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट मिली है। बहुत बढ़िया। मतलब 2016 के एग्जाम में आपने AAO की वैकेंसी पाई है। वैकेंसीज होती है एग्जैक्टली बिकॉज अभी तक SSC जो वैकेंसीज निकालता था वो 4600 ग्रेड पे की हुआ करती थी जी। वो 2016 में उसने फर्स्ट टाइम निकाला था जो 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी निकाली है। एंड स्पेशली इसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये अकेली ऐसी वैकेंसी है जो गेजेटेड लेवल की है। तो इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टली गेजेटेड ऑफिसर होंगे। ओके, डायरेक्टर गेजेटेड ऑफिसर होंगे। ओके, अबे जी अबे ये बताइए कि जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो किस तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और क्या आपके दिमाग में था कि कैसे आपने ये एम अचीव करना है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट हो। बेसिकली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो क्वांट मेरा पहले से ही थोड़ा ठीक था एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ओके, बेसिक्स मेरे क्लियर थे, तो पहले मैंने उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया, लाइक कि शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करने हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि क्या कहते हैं, अगर आप विदाउट शॉर्टकट करोगे तो वो बहुत लंबा टाइम ले जाएंगे। okay. और स्पेशली SSC में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके okay. तो पहले उन क्वेश्चंस पे थोड़ी मास्टरी की, उसके बाद फिर थोड़ा इंग्लिश पे कॉन्सेंट्रेट किया, बिकॉज इंग्लिश जो है SSC ईजी पूछता है बट काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है SSC okay. का इंग्लिश। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है GS, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप GS की बात करें तो आने को वो सिर्फ स्पेशल पोस्ट निकाल दें, लाइक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर निकाल दें, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर निकाल दें, और जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होती है जिनके लिए अलग पेपर कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये तीन पोस्टों को छोड़कर बाकी जितनी भी पोस्टें होती हैं उन सबका जो टोटल स्कोर होता है वो 700 मार्क्स में से होता है जी। अभी 700 मार्क्स में, तो 700 मार्क्स में आपका 250 मार्क्स का क्वांट रहेगा, 350 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहेगी। ओके, एंड फर्दर 50 मार्क्स का सिर्फ GS आएगा। लेकिन अभी GS इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अभी प्री जो आएगा आपका, तो अगर आपने 2016 से आप ट्रेंड देखिए तो 2016 से क्या है कि कट ऑफ काफ़ी ऊपर चली गई जी। तो पहले क्या होता था, पहले बच्चे क्या करते थे कि ठीक है मैथ्स मैंने अच्छा कर लिया, रीजनिंग अच्छा कर लिया, इंग्लिश थोड़ा एवरेज कर लिया, मैं बहुत ईजिली अपना प्री निकाल जाऊँगा जी और मेन्स में मैं कर जाऊँगा। अभी क्या है कि अभी जब कट ऑफ ही आपका 130-140 तक जा रहा है और कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि क्या कहते हैं, आप फिर GS कंपोनेंट भी नहीं छोड़ सकते, आपको GS पे भी एफर्ट लगाने हैं, आपको कोशिश करनी कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें स्कोर कर सकते हैं। मतलब आप स्टूडेंट जो है GS को हल्के में नहीं ले जा सकता बिल्कुल भी, जो जो स्कोरिंग एक सब्जेक्ट बना के चलना पड़ेगा GS को। बट ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अभी जैसे मैंने देखा है कि जिस टाइम पे मैं स्टूडेंट था उस टाइम भी, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उस टाइम पे भी, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं कि काफी ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं ये पर्टिकुलर GS के लिए। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ फैक्ट्स चाहिए। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा प्रीवियस ईयर पेपर आपने रटना है जी, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस नहीं रटने, आप अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि SSC पूछता किस हिसाब से। GS में भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि वो रैंडमली उठा के डालता है, कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब वो पैटर्न हमेशा वैसे ही रखता है। फॉर एग्जाम्पल लिटरेरी अवार्ड से वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो उसको तो कभी छोड़ना ही नहीं है। बैडमिंटन, टेनिस, इन पे जो भी टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो सारा आपको अच्छे से करके जाना है, बिकॉज और स्पेशली बायो से काफी ज्यादा वो पूछते हैं। बिल्कुल, तो मतलब लास्ट ईयर के जो पेपर हैं GS में वो काफी हेल्प करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मतलब मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है तो उन्हें मैथ से बड़ा डर लगता है कि मैथ बड़ा टफ है, और जैसे कि अभी आपने बताया कि टोटल 700 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 350 की तो इंग्लिश है और 250 का
मैथ्स है, तो इंग्लिश और मैथ्स का वेटेज काफी ज्यादा है। तो वीडी सर आप हमें बताइए कि मतलब स्टूडेंट अगर मान लीजिए 250 में से एक अच्छा स्कोर पाना चाहता है, 240 या 240 प्लस स्कोर पाना चाहता है, तो उसके लिए वो किस तरीके से प्रिपरेशन करे, मैथ को किस तरीके से स्टार्ट करे कि उसे इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। देखो सर, पहले क्या होता था कि जब हम 2016 से पहले कोई भी पेपर देते थे, एसएससी का कोई भी पेपर होता था, तो ये बात अक्सर चर्चा में रहती थी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो उन्हीं से मैक्सिमम सिलेबस जो आपका क्वांटिटी कवर हो जाता है। लेकिन 2016 के बाद से एसएससी ने बड़े सारे चेंजेस किए, जहां से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनसे काम नहीं चलने वाला। जैसे कि हम एग्जांपल ले 2017 का, अगर हम लोग मेंस पेपर देखेंगे तो वहां जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो बहुत कम मात्रा में थे। ठीक है, तो हमें अब कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। देखो दो पैटर्न होते हैं टीचिंग के, एक होता है डिडक्टिव मेथड, जहां हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू यूज रूल्स, किसी भी क्वेश्चन को रूल का इस्तेमाल करके कैसे बनाना है। तो वहां टाइम लिमिटेशन क्या है ये हमें ध्यान नहीं रहता बहुत बार, तो हमें एक नया पैटर्न इंडक्टिव मेथड, हाउ टू मेक रूल्स, जहां हमारे लिए कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैकमा वाली कहावत सुनी होगी ना कि इफ यू पुट मनी एंड बनाना इन फ्रंट ऑफ ए मंकी, तो मंकी चूज क्या, बनाना। ठीक है, बट वी डोंट नो कि मनी बोट मोर बनाना। तो ऐसा ही जब हम लोग स्टूडेंट्स के सामने कंसेप्ट और क्वेश्चन रखते हैं तो वो क्वेश्चंस ज्यादा चूज करते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें ये पता ही नहीं है कि कंसेप्ट मेक मोर क्वेश्चंस। तो कंसेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, जहां हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग 2017 में देखें तो जो क्वेश्चंस की रिपीटेशन है वो थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, तो आपको उस बेस के हिसाब से, उस पर्पज के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, कि तभी आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, मतलब रटने से ही रटने से कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, ठीक है, जब तक आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब तक कंसेप्ट में और अब जो है प्रीवियस ईयर मैथ में उतनी ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि नए क्वेश्चन डाल रहा है एसएससी डे बाय डे। देखिए आप अगर 2017 प्रीलिम्स में देखेंगे तो एक आध सेट तो ऐसा था जहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6-7 सवाल पूछे हुए, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। 50 से 60, जो 40 से 50 सेट बनाने होते हैं एसएससी को, तो हर जगह वो डिफरेंट सवाल डालता है। तो वेटेज भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ट्रिग्नोमेट्री के 5 सवाल पूछेगा या ज्योमेट्री के 6 सवाल पूछेगा या इतने सवाल पूछेगा, तो ऐसी चीजों पे अब ध्यान नहीं दिया जा सकता इतना कि कहां से कितना पूछेगा। आपको कंप्लीट पढ़ के चलना पड़ेगा पर्टिकुलर किसी टॉपिक की, ये वेटेज नहीं बताया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, ज्योमेट्री ज्यादा आ रहा है तो ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी सारी चीजें ही आपको बढ़िया से ढंग से तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभय जी, मैं जानना चाहता हूँ कि एसएससी सीजीएल मतलब है क्या, कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे आती है, और जो मान लो इनके पेपर एग्जाम क्लियर करके जो हमें पोस्ट मिलती है उनके क्या फैसिलिटीज क्या और पैकेज क्या रहेगा, मतलब स्टूडेंट क्यों मतलब सीजीएल की तरफ ज्यादा जोर दे और उसके लिए ज्यादा मेहनत करे, तो कुछ इस बारे में हमें बताइए। देखिए, सबसे पहली अब बात है कि अगर हम जॉब हमें क्यों चाहिए, दो रीजंस के लिए चाहिए। एक तो है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बिल्कुल, जो आपको सीजीएल बहुत अच्छे से फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, अगर आप सही हैं तो आपको मतलब फ्यूचर पूरी तरह से सिक्योर है। दूसरी चीज़ है कि स्टेटस सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट मिले। अब देखिए, अब हर कोई यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकता, हर किसी को अपना अपना पता होता है कि मैं कितना एफर्ट लगा सकता हूँ अपनी स्टडीज पे, कितना एफर्ट दे सकता हूँ। जो लोग 10-10, 12-12 घंटे एफर्ट्स लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, उनके लिए यूपीएससी है, दे कैन गो फॉर यूपीएससी। लेकिन ये चीज़ आपने देखी होगी कि यूपीएससी में क्या है कि सिलेक्शन रेशो थोड़ा कम होता है। सिलेक्शन रेशो क्यों कम है, बिकॉज अल्टीमेटली पोस्ट कम आती हैं। अभी एसएससी में क्या है कि 10,000, 12,000, 15,000 पोस्टें आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कॉन्स्टेंट लेवल पे एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, और एसएससी आपको ऑफिसर लेवल की जॉब देता है। ओके, ऑफिसर लेवल की जॉब देता है, जैसे अभी आपने बताया 4800 ग्रेड पे आ गया, तो ये मेरे ख्याल से ग्रेड बी की, ग्रेड बी गेजेटेड ऑफिसर। बिल्कुल, ग्रेड बी गेजेटेड ऑफिसर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देखिए आप नाम सुनकर ही मतलब खुशी होती है कि इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, नाम बहुत बड़े-बड़े हैं, स्टेटस वाली जो सोसाइटी में ग्रेड पे भी इंक्रीज हो गया है, ग्रेड बी भी इंक्रीज हुआ है, मतलब सैलरी थोड़ी अब अच्छी बनेगी। पहले ये ग्रेड सी में आता था पिछले सालों में, ग्रेड बी में डाला, तो इसका ग्रेड पे भी 4600 हो गया। ओके, ठीक है, जैसे सीबीआई है, सीबीआई का ग्रेड पे भी अब की बार इंक्रीज हो गया, 4600 हो गया। ओके ओके, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जहां से एसएससी ने बढ़ाया है अपना ग्रेड पे, मतलब सीजीएल में जो वैकेंसीज है उनमें नाम काफी अच्छे अच्छे, रुतबेदार जी ने क्या सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, आप अगर देखें सीबीआई में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर। ये आपको प्रेरणा लेनी चाहिए ना, जैसे मूवीज में हम लोग देखते हैं, फोर्स मूवी अगर कभी देखी हो तो जैसे जॉन अब्राहम किसमें है, वो जितनी भी एक्टिंग करता है, ये सारी चीजें अगर हम रियलिटी
सोसाइटी में उसको जीना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स. बिल्कुल, एक नारकोटिक इंस्पेक्टर जिसका ग्रेड पे भी इंक्रीज हो गया, ये भी सीजीएल के थ्रू ही जा सकते हैं. मैं हम लोग सुनते हैं कि वो बंदा सीबीआई में है या वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, तो मतलब वो वहां पे पहुंचा है तो ये एसएससी सीजीएल एग्जाम क्रैक करके ही जा सकता है. और मतलब एग्जाम, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा मिस्टर अभय, कि कितना टाइम लगता है इस एग्जाम को क्रैक करने में, स्टूडेंट को मतलब टोटल कितना टाइम पर डे देना होगा और कितने मंथ्स लग जाते हैं कि इस पेपर को इजीली क्रैक कर सके. बेसिकली अगर बच्चा कांस्टेंट लेवल पे अच्छे से पढ़ रहा है, अगर वो एवरेज लेवल का है, हम बिलो एवरेज की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम अब एवरेज की बात भी नहीं कर रहे हैं, उन केसेस में टाइम का थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है या कम लग सकता है. बट ये कि अगर बच्चा एवरेज लेवल पे है कॉन्स्टेंटली, वो 4 to 5 hours अगर रोज दे रहा है, डेली 4 to 5 hours अगर वो दे रहा है, तो उसको 4 to 5 months की ही जरूरत है, इससे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं. इतने टाइम में वो बहुत अच्छा अपना लेवल बना लेगा और डेफिनेटली वो एग्जाम क्रैक करने, मतलब इसमें ये भी नहीं है कि बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट चाहिए, बहुत रात दिन मेहनत करने वाला चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं. अब जैसे अगर आप इंग्लिश का लेवल उठाकर देखें तो इंग्लिश का लेवल क्या है कि बिल्कुल एलिमेंट्री इंग्लिश आती है. अगर 10th लेवल तक आपका बेस अच्छा था, प्रॉब्लम क्या है कि 10th लेवल तक हम इंग्लिश को क्या कहते हैं एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट ही मानकर चलते हैं, उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, ग्रामर पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, हम लिटरेचर रटने में लगे रहते हैं. अब लिटरेचर नहीं आएगा, अब ग्रामर आएगा. अब जिसने उस टाइम पे ग्रामर अच्छे से किया है उसके लिए तो वो इंग्लिश का जो 350 है वो केक वॉक है. ओके, मतलब जो 10th की स्टडी है वो भी यहाँ पे बहुत काम आने वाली है. एलिमेंट्री लेवल पे जिसने मतलब अपना इंग्लिश अच्छा किया है तो 350 में से ये लगाकर चलिए 280+ तो वो बहुत ईजिली मतलब ले सकता है. Okay. अगर पहले अच्छे से किया है तो अभी कम करना पड़ेगा, अभी पहले अच्छे से नहीं किया तो अभी उसको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे. Okay. अब उसी तरीके से हम अगर मैथ्स की बात करें तो क्वांट की अगर बात करें तो क्या है कि अभी उसको शॉर्टकट नहीं पता होंगे लेकिन एटलीस्ट उसको कॉन्सेप्ट्स तो पता ही होंगे ही ना. और एसएससी में क्या है कि 10th लेवल से ऊपर नहीं लेकर जाता, कुछ एक क्वेश्चन चले जाते हैं, कभी कभार थोड़ा सा लेवल ऊपर चला जाता है लाइक ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का कुछ एक क्वेश्चन. लाइक अगर 100 क्वेश्चन आ रहे तो 100 में से मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन उस लेवल के जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन वो होंगे जो 10th लेवल से नीचे के ही रहेंगे, 10th लेवल या 10th लेवल से नीचे के रहेंगे. तो अगर उसने पहले से अच्छा किया है तो कम लगाना पड़ेगा एफर्ट, अभी पहले अच्छा नहीं किया तो अभी थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा. तो वीडी सर हमें ये बताइए कि क्या बिना शॉर्टकट के एग्जाम क्लियर हो सकता है? आपको शॉर्टकट टेक्निक्स और जो आप कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट है, तो मान लो कि किसी स्टूडेंट को शॉर्टकट नहीं आता है तो क्या टाइम की क्या लिमिटेशन होती है पेपर में कुछ? देखो सर, होता क्या है कि जब हम टायर 2 देते हैं सपोज, तो टायर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है. ओके, तो वहां भी आपको देखो 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं. ओके, ठीक है, और 30% क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं. अब गड़बड़ हम कहां क्या करते हैं कि 70 सवालों को करने में इतना वक्त लगा देते हैं कि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो हमसे छूटी जाते हैं. okay. या वहां तक पहुंच ही नहीं पाते. तो शॉर्टकट की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि जो आसान टाइप के सवाल है कम से कम उनको तो हमने विद इन 1 hour या 50 मिनट के अंदर अगर सोल्व करें तो बाकी के बचे हुए 30 सवालों को अगर 1 घंटा देंगे तो हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे. मतलब जो फाइट है, देखो 70 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सबको आते होते हैं. ठीक है, वो बहुत आसान होते हैं. बस अगर आप उन्हीं को करने में इतना टाइम लगा दोगे और बढ़िया क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा तो आप नहीं पहुंच पाएंगे वहां. वो जो 30 क्वेश्चन है जो मेरिट में आपको लेके, तो मेरिट में जाने के लिए आपके उन 30 सवालों को आपको टाइम देना पड़ेगा, जहां एक सवाल को करने में 2 से 2.5-3 मिनट आराम से लग जाते हैं. तो आपको उनके लिए टाइम सेव करना पड़ेगा और ये आप टाइम सेव तब कर पाएंगे जब आप बचे हुए 70 सवालों को 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर देंगे. और वो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपके पास एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी, आपके पास बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, तो तभी आप उनको बना पाएंगे और अच्छे सवालों को सॉल्व करके आप उस फाइट में आ पाएंगे, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बिल्कुल. तो जैसे कि आपने देखा कि मिस्टर अभय जो ऑलरेडी सीजीएल क्लियर कर चुके हैं और एक अच्छी पोस्ट पे है AAO की, और मिस्टर वीडी सर जो कि मैथ और हायर मैथ के टीचर है काफी टाइम से, कितने कितने साल से आप टीच कर रहे हैं सर? कुछ मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, और इस 5 साल के दौरान मैंने बहुत सारे बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाया है. जे इन सब में पूरा एफर्ट है. एक आईबीएस के अंदर एक ऐसी टीम है जो हर सब्जेक्ट पे पर्टिकुलरली टाइम पे, मैं सिर्फ हायर मैथ या क्वांट पढ़ाता हूँ, सिर्फ वहां नहीं इंग्लिश पे भी, जीएस पे भी, तो सारे टीचर बहुत अच्छा वर्क करते हैं और ये जो बच्चों को वहां तक पहुंचाने का काम किया है ये सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं है, ये पूरी आईबीएस टीम का एफर्ट है. जो जो आईबीएस ऑर्गेनाइजेशन है जो तैयार, अभी न्यू बैच स्टार्ट हो गए आईबीएस में, आईबीएस में सीजीएल के लिए बहुत सारे बैचेज हैं सर. डे बाय डे हर मंडे हर ट्यूजडे यानी वीक में 1 या 2 बैच हर ब्रांच पे स्टार्ट होता रहता है. तो बच्चे आइए और इन सब चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि अगली सीट आप ही की होनी चाहिए यहाँ. बिल्कुल. ठीक है, तो आप आइए और बेनिफिट उठाइए उन सब चीजों का. टाइम बहुत कम है, 25 जुलाई से आपके प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे एसएससी सीजीएल के, तो 2 से 2.5 महीने का वक्त है. इस छोटे से एफर्ट में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं.
तो जैसे कि देखिए एक्सपीरियंस सर, आप देखिए कितना एक्सपीरियंस हो गया है सर को, और अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आपको वैकेंसी भी मिलेगी, क्योंकि सर ने काफ़ी स्टूडेंट सर के पढ़ाए हुए ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप बैच ज्वाइन करिए, ये नहीं सोचना है कि कल करेंगे या परसों करेंगे, जितनी जल्दी आप बैच ज्वाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से उतना बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स ये थे मिस्टर वीडी सर और मिस्टर अभय सर, ठीक है, आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।